तो फोन भाई, मैं आगे की जर्नी कैरी ऑन करता हूँ, ठीक है? ठीक है, अगले नुक्कड़ पे जरा वेट करूंगा, गोल्ड पीएगा ना तू? ये फोन किसका है? मेरा फोन है। जाओ भाई, चूना लग गया। देखो 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 देखो, बच गया बच गया बच गया। अनिवेश ठीक है? अच्छा ठीक ठीक। देखो भाई लीन, ये देखो क्या हो गया। तो ओगी भाई लेने वाले हैं यही वाली बाइक, R15 V4। देखते हैं कब तक आती है इनकी बाइक। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइस, आई होप आप सभी बढ़िया होगे। तो आज फिर से निकले हैं इवनिंग राइड पे, एंड अगेन सेम टाइम में ही निकले हैं 5 बजे। एंड आज का प्लान है कांके डैम जाने का। वैसे आज बस ओगी भाई रहेंगे और उनके कुछ दोस्त लोग रहेंगे, बाकी राहुल नहीं आने वाला। रेलवे तो अपना गया हुआ है मोराबाद अपना घर, तो वो कुछ दिन बाद आएगा। सो अभी हम हैं मोराबादी में, तो फिलहाल अभी हम जाएँगे कांके, और प्लान क्या है वो हमको बिल्कुल पता नहीं है। हम सो रहे थे ऐसे, मतलब ओगी भाई ने फ़ोन करा, बोला कि आ जाओ, तो फिर भाई हम नहा धोवा के निकल गए बस। और ये रहा बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम। आज हम आप लोगों को इस स्टेडियम का नज़ारा फ्रंट से दिखा रहे हैं। जब कोविड आई थी ना तो यहाँ पे मिल रहा था कोवैक्सीन, और उस टाइम हम आए थे और यहीं पे हमको जोबा गया था एकदम, और हम 2 दिन तक बीमार थे, बोले तो बुखार आ रहा था। और कोवैक्सीन का फर्स्ट डोज ही हम लिए थे, सेकेंड डोज हम लिए ही नहीं थे। यहाँ पर है ऑक्सीजन पार्क और यहाँ पर मिलती है फ्री एंट्रेंस। यहाँ पे भयंकर वाला कॉर्नर है, और जस्ट कॉर्नर के बगल में स्पीड ब्रेकर। व्हाट अ कॉम्बिनेशन मैन, ताकि इंसान कॉर्नर से बच रहा है तो फिर स्पीड ब्रेकर से बचे ही ना। सोच समझ के बनाया गया है। क्या हो गया भाई, किक मार रहे हो या फिर ट्रैफिक पुलिस से बचने की निंजा टेक्निक अपना रहे हो? वो लोग 3 जन था और वो लोग के पास हेलमेट नहीं था शायद से, वो लोग रुक गए उधर। और यहाँ पर देख रहे हो ना, ट्रैफिक पुलिस तैनात है। इधर KFC है क्या? इधर पिज्जा हट दिख रहा है। ठीक ठीक। तो ओगे भाई आगे जस्ट कहीं पे KFC है, वहाँ बैठे हुए हैं, लगता है पूरा टंगरी खींच रहे हैं आज। इधर भी KFC है, हमको तो पता ही नहीं यार, नहा रहे थे। अरे क्या हो गया, विली विली? हाँ नहीं विली नहीं, तो बताएंगे बाद में, कहानी लंबा हल्का। स्पीड टेस्ट कर रहा था का? तो वैसा कोई सिस्टम नहीं था, अरे आदमी आ गए थे बीच में, सुबह सुबह एग्जाम देने जा रहे थे, इसलिए तो बोलते हैं ज्यादा रस मत चलना रोड में। नहीं 40 के स्पीड में हम थे। अरे तो अचानक से आदमी लोग आता है ना, हम 40 के रांची का, रांची का रोड का भरोसा नहीं है। निकले चलो, कहाँ जाना है अभी? लेट नहीं ना होगा हमको? एक स्पीड मार के आ जाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे, यहाँ मंदिर लेना वहीं तक, उसके बाद वापस आ जाएंगे। ठीक है, माथा टेकने जा रहे हैं हम लोग। हा? माथा टेकने जा रहे हैं। हा? चलो वैसे भी जरूरत तो है, तो मेरा तो हो जाएगा फ्यूल, हम नहीं भराने वाले। क्या चीज? वॉबलिंग का। वॉबलिंग होता है? होता है हाँ, क्योंकि वो भारी हो जाता है ना। हाँ क्या नाम है? MT बॉय। ओ MT लिखिए, MT स्पेस दीजिए। रांची से ही है? हाँ। ओए तुम्हारा हाइट कितना है होगी? तुम्हारा हाइट मेरा से कम है ना? हाँ ठीक है, 5-5-6 होगा। मतलब थोड़ा नाटा है तुम तो भी MT में आराम से ही चला लेते हैं। ये वाला मॉडिफिकेशन हमको काफ़ी सही लग रहा है। अरे अरे अरे, मेरा कान जगह से व्हीली बजा रहा है भाई। ए फोन फोन फोन,
लगता है सीन हो गया, कार के नीचे जाने वाला था। वाट लग गया। अच्छा कहाँ रखा था फोन? फोन कहाँ रखा था? ये हेलमेट पे रिकॉर्डिंग करने के लिए। ऐसा ही बात ऐसे है, तेरा मोबाइल हम भी रख लेता। किसका फोन है ये फोन किसका है? मेरा फोन है। जाओ भाई चूना लग गया। चलो चलो अब जो हो गया हो गया। तेरा मोबाइल तो गया, रिकॉर्ड कैसे होगा? वॉइस ओवर कर देना भाई, फोन उन मत डालना। वाट लागे लू, वहाँ से फोन आ रहा है भाई उड़ते उड़ते नीचे नीचे एकदम पूरा स्लीपरी होते होते जा रहा है। तो ओगी भाई को लग चुके हैं फटके, क्योंकि उनका फोन पूरा रोड में चितरा चितरा घूम रहा है इधर उधर। अरे 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 क्या सीन क्या सीन क्या सीन क्या सीन, भारी सीन भारी सीन। वैसे हम लोग गलत टाइम चुने हैं पतरातू जाने के लिए यार, ये R15 सच में बहुत सेक्सी लग रही है। नहीं करेंगे हम, नहीं करेंगे। बाय। आज फिर से अपने बाइक को हम स्ट्रेस देने वाले हैं भयंकर। बस रोड खाली मिलना चाहिए, बाकी तो भाई ऐसी ऐसे है। तो पूरा उठाते जा रहा है भाई रोड पे, एकदम सांप बनाते जा रहा है पूरा फ्लाई बाय। देखो 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 देखो, बच गया बच गया बच गया, एक नंबर भाई। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं पिठोरिया, और यहां से जाती है पिठोरिया थाना। भाई क्या लीन देखने को मिलेगा अभी। हम ज़्यादा इधर आते नहीं हैं, तो इस रोड से मेरा ज़्यादा वैसा है नहीं, मतलब यूज टू नहीं है, तो ज़्यादा हम लीन वगैरह तो करेंगे नहीं। अरे तो हम विदाउट प्रोटेक्शन आए हैं, बस ग्लव्स है और हेलमेट है। भाई क्या सुला रहा है आदमी लोग। अरे ये वो जगह है जहाँ पे हर राइडर आता है अपना माथा टेकने, और हम लोग भी टेकेंगे माथा। इनकी आशीर्वाद से ही हम लोग का लाइफ इंश्योरेंस हमेशा कायम रहेगी। बहुत काम हो जाएगा जाते टाइम। मेरा बाप मार देगा हमको, बोला है वो दही लाने भेजा है वो हमको। हाँ, दही लेने के लिए आए, दही लेने के लिए आए। यहाँ का दही अच्छा है। वैसे रफ मत चलना यार, डर लगता है। हम इसको बोले के भाई रुक रुक, इसको इंजन ब्रेकिंग नहीं आ रहा है उसका, इतना सीधा सीधा ब्रेक पैड में मार दिया यार। टायर स्किड किया था ना वहाँ पे भी। बोले ABS नहीं है, ABS नहीं है पीछे, समझ समझ। गियर डाउन करना, क्लच छोड़ देना, एक्सीलेटर भी छोड़ देना, बस इंजन ब्रेकिंग काफी इजी है। तो हम लोग नीचे नहीं जाने वाले, हम लोग यहीं से वापस। देखो भाई लीन, जान हलक पे आ जाती है। हाँ थैंक यू ऐसा मोमेंट हम भी डिजर्व करते हैं, बट क्या करें भाई, लड़की नहीं है। और फिर से हम लोग आ चुके हैं पिठोरिया चौक, एंड बहुत जल्दी ओगी भाई का भी R15 आने वाली है इसी मंथ आई गेस, देखते हैं कब तक आती है। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। मजाक बना दिया भाई। तो देख लो, अगर हम एग्जॉस्ट लगवा रहे हैं तो फिर कुछ ऐसा साउंड आने वाला है
जो कि काफ़ी ज़्यादा लाउड रहेगा। अरे भाई एग्जॉस्ट की आवाज़ से मेरा कुत्ता नाराज हो गया लग रहा है, भौंकने लगा एकदम। मेरा भाई बड़ा फैन है। हाँ मेरा भाई बड़ा फैन है आपका। ओह क्या नाम हुआ तेरा भाई का? अनिवेश। ठीक है अच्छा ठीक ठीक। क्यूट क्यूट से बच्चे मिलते हैं, अच्छा लगता है। माँ की किरकिरी पूरा भसड़ी मचा दिया है भाई, तो जहाँ देखो वहाँ बिल्ली, सारा बिल्ली को कट करना पड़ेगा नहीं तो माल पिएंगे हम तो माल पिएंगे। थोड़ा ज्यादा हो गया है सो हम लोग पहुंच चुके हैं मेन टाउन रांची और हमको भी अब घर निकलना पड़ेगा। वैसे मज़ा तो आज आया बट ओगी भाई का फ़ोन टूट चुका है। आई होप आप लोग को ये वाली ब्लॉग पसंद आई होगी, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। चिक्स रिएक्शन।